हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स। यहाँ पे क्या करना है, देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एस्टिमेशन राउंड ऑफ करने का सिखाया था, ठीक है। तो ये करने से पहले आपको वो वीडियो देखना और समझना पड़ेगा, तो ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, बिकॉज आपको देख के लगेगा ये कितना इजी है, इन दोनों नंबर को प्लस ही तो करना है। पर नहीं, हमें एस्टिमेट करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगानी है, राउंड ऑफ करना है जनरल रूल से। मैंने उसमें सिखाया था आपको राउंड ऑफ करना है 10 तक, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, 10, 100 और 1000 तक ही आपको इसमें राउंड ऑफ करना है, 10,000 तक नहीं करना है, 10, 100 and 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल रूल लगाएंगे, उसमें मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं, ये आपको मैंने इस तरह से ही सिखाया था कि मैंने 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स लिख दिए थे यहाँ पे। उसमें ये फर्स्ट ग्रुप जो है 4 तक फर्स्ट ग्रुप में आता है और ये 5 to 9 तक सेकेंड ग्रुप में आता है। तो हम पहले यही रूल की मदद से क्वेश्चन नंबर ए 730 + 998 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस राइट डाउन लाइक दिस वे, जैसे पैसा पहले दिखता है वैसा ही मैं लिख दूंगा, 730 + 998, ठीक है। पर हमें इससे प्लस नहीं करना है, हमें पहले इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं पहले कुछ इस तरह से लिख दूंगा, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है। इसका भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है। ये मैंने 100 ही क्यों लिखा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे 1s, 10s, 100 है, 1s, 10s, 100। तो 10s अगर दो डिजिट होता है तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करें, 10 करेंगे। 3 डिजिट है तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करेंगे। फिर 4 डिजिट है तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करेंगे। फिर 5 डिजिट है तो भी 1000 ही करना पड़ेगा, बिकॉज 10,000 का तो हमने सीखा ही नहीं है। तो आपको 2 डिजिट होगा तो 10 तक करना है, 3 डिजिट है तो 1000 करना है, सॉरी 3 डिजिट है तो 100 करना है, फिर 4 या 4 से ज़्यादा है तो 1000 तक ही करना है। अब आपको पता ही होगा इसका रूल, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 100 में कैसे जीरोज, कितने जीरोज़ हैं, 2, तो हम 2 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। कितने के नीचे अंडरलाइन किया, 2, तो हम पहले 2 जीरोस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब उसमें से लास्ट सेकेंड नंबर कौन सा है, 3 कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप का रूल क्या है, उसके ये जो 7 है वो 7 ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस ये समझने के लिए आपको आगे का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें भी हम 2 नंबर को अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज 100 में कितने ज़ीरो होते, 2। अब वो दोनों नंबर को हम 0 लिख देंगे यहाँ पे लाइन में अच्छी तरह से। अब ये उसमें लास्ट सेकेंड नंबर देखना है, 100 वाले में लास्ट सेकेंड नंबर देखना है, 9 कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में। तो सेकेंड ग्रुप में आने वाला नंबर आगे के नंबर को क्या कर देता है, 1 डिजिट बढ़ा देता है। तो 9 का 1 डिजिट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो गया 10। अब इसको प्लस कर देंगे हम, अब इसे प्लस करते देखते हैं क्या आता है, 0 0, ये 7, ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने किया एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, ठीक है। इसको एस्टिमेट किया हमने और फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1700। तो इस तरह से हमें ये सारे सम सॉल्व करने हैं, एस्टिमेट तो करना ही है। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, लेकिन मेथड वही का वही रहेगा। सो लेट अस सॉल्व दिस सेकेंड क्वेश्चन, उसको भी हम पहले लिख देते हैं जैसे ये लिखा था वैसे ही, मेथड तो वही रहेगा, 796 माइनस है पर यहाँ पे 314। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, 3 डिजिट है तो 100 तक ही राउंड ऑफ करेंगे। तो आई विल राइट राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, सेम हियर ऑल्सो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो 100 के रूल में क्या करते हैं, पहले हम 2 के नीचे अंडरलाइन करते हैं, वो दोनों को पहले 0 लिख देंगे हम, ठीक है।
अब वो दो नंबर जो है उसमें से लास्ट सेकंड देखेंगे, लास्ट सेकंड नाइन है, तो नाइन कौन से ग्रुप में आ रहा है, सेकंड ग्रुप में, तो उसकी वजह से सेवन क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी दो नंबर को अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज हंड्रेड में दो जीरोज होते हैं, तो पहले हम दो ज़ीरो लिख देंगे। अब उसमें से लास्ट सेकंड नंबर देखेंगे, वन, वन कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में आया, तो फर्स्ट ग्रुप का रूल क्या है, वन की वजह से ये थ्री थ्री ही रहेगा, ठीक है। और हम करना है माइनस, तो ज़ीरो ज़ीरो एट माइनस थ्री इट विल बी फाइव, सो आवर आंसर इज़ 500, ओके। तो इस तरह से करना है, थ्री डिजिट है इसलिए हमने राउंड ऑफ 100 किया। अब आएगा फोर डिजिट, और फोर से ज़्यादा फाइव डिजिट में हम राउंड ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे 100 किया था, इसमें हम 1000 से राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला किया था उसी तरह से पहले इसे लिख देते हैं, लेट मी राइट इट डाउन, सो इट विल बी 12904 प्लस 2888। इस सारे स्टेटमेंट हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे 100 है उसकी जगह पे हम 1000 लिखेंगे। वो 1000 क्यों लिखा वो एक बार फिर से मैं समझा दूंगा बाद में, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, इधर भी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो 1000 में कितने जीरोज है, थ्री जीरोज आर देर, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरलाइन थ्री नंबर्स हियर, वो थ्री जितने अंडरलाइन किए उतने हम यहाँ पे जीरोज रख देंगे, वन टू एंड थ्री। इसमें हम थर्ड नंबर देखेंगे, यहाँ पे हम कौन सा देखते थे, लास्ट सेकेंड, यहाँ पे लास्ट थर्ड, ठीक है, 1000 में। सो इसमें नाइन है, वो कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में, तो उसकी वजह से क्या होगा, टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप में अगर आता है ये नंबर, उसकी वजह से टू होगा, या कोई भी नंबर होगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो टू थ्री हो गया। इसका कुछ काम नहीं, ये तो कॉपी कर देंगे हम, क्योंकि 1000 में कितने डिजिट्स हैं, वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री फोर तक ही चेंजेस आएंगे, फिफ्थ वाले में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब से ये वाला देखिए, उसमें भी हम थ्री के नीचे अंडरलाइन करेंगे, उन तीनों को हम ज़ीरो लिख देंगे पहले, ठीक है। अब एट कौन से ग्रुप में आता है, डेफिनेटली सेकेंड ग्रुप में, तो सेकेंड ग्रुप का रूल क्या है, टू है, वो एक डिजिट बढ़ के थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, सो हम एडिशन कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ज़ीरो 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 सिक्स वन, तो इट इज़ 16000 इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1000 क्यों राउंड ऑफ किया था, मैंने आगे ही बताया था कि थ्री डिजिट नंबर है तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करेंगे, फोर या फोर से फाइव सिक्स सेवन डिजिट्स होते हैं तो राउंड ऑफ 1000 करना है। राउंड ऑफ टू 10,000, राउंड ऑफ टू लैक्स, 10 लाख करोड़ तक आते हैं, लेकिन सिक्स स्टैंडर्ड में आपको 1000 तक ही है, तो हमें इधर तक ही करना है, ठीक है। सो अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। ये जो सब है वो एस्टिमेटेड सम है, तो यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड सम लिख सकता हूँ, एस्टिमेटेड सम्स, तो ये सब में आप एस्टिमेटेड सम लिख सकते, तो ये सारे के सारे हैं वो एस्टिमेटेड सम, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट में आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा है तो ये वाला सम आप खुद भी कर सकते हैं, ये वाला सम आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा है तो बीच में आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करके, फिर मैं जब ये सॉल्व करूँगा उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपके और मेरे आंसर में क्या सिमिलैरिटी है, यू कैन फाइंड इट आउट, ओके। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, जैसे कि हमने वैसे ही सॉल्व किया था वैसे ही मैं वीडियो इस तरह से इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो इसका स्टेटमेंट जैसे कि आपको पता है वैसा ही मैंने लिखा है जो आगे क्वेश्चन नंबर सी में किया था, तो दिस इज़ 28,292 टू बी एडेड, सॉरी सब्ट्रैक्टेड विथ 21,496। तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है टिल 1000, 1000 में थ्री जीरोज होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरलाइन थ्री जीरोज हियर एंड वी विल पुट वो तीन जीरो के हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है, वन टू एंड थ्री। अब उसमें से लास्ट थर्ड नंबर देखिए वो कौन से ग्रुप में आता है, मैं यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूँ वापस, तो ये जो टू है वो आता है ग्रुप फर्स्ट में, तो फर्स्ट ग्रुप का रूल क्या है, ठीक है, उसके आगे का जो नंबर होता है वो वही का वही रहता है, ठीक है, तो ये एट होगा,
इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बिकॉज 1000 में 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट तक ही फ़र्क दिखेगा, आगे का 5th डिजिट है उसको तो वैसे भी कॉपी ही कर देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और ये वाला ग्रुप अगर आपको याद रह जाता तो हर बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी हम 3 डिजिट्स को अंडरलाइन करेंगे, उन तीनों को हम 0 लिख देंगे। अब 1, 2, 3 थर्ड डिजिट कौन से ग्रुप में आता है? डेफिनेटली फर्स्ट ग्रुप में ही आता है, तो 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे भी, और ये 2 तो कॉपी कर देना है, और ये सब्ट्रैक्शन का सम है, तो इसका एस्टिमेटेड सम क्या आएगा? माइनस करेंगे 0, 0, 0, 7 एंड 0, मतलब कि 7000 is the estimated sum of this question, okay? So I hope आपने भी ये try खुद किया होगा तो ये answer आया होगा, this is the correct answer। तो आगे के sum हम बाद में, question number 2 हम next video में करेंगे, ठीक है? Thank you।